गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग आए हैं सेठानी घाट में, और यहाँ पे अभी हमने नर्मदा माता के दर्शन किए हैं। और कहा जाता है कि गंगा जी में नहाने से पूरे पाप धुल जाते हैं, पर नर्मदा जी को देखने से ही पूरे पाप मिट जाते हैं। नर्मदा जी सबसे प्योर नदी है। नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग घाट में आ चुके हैं, लेकिन हम लोग आज ऑटो रिक्शा से आए हैं, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ से घाट में। ऑटो रिक्शा में हम लोग बैठ चुके हैं और हमारे साथ सभी अंकल लोग भी जा रहे हैं। ये देखिए, सब लोग यहाँ पर ऑटो में सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जा रहे हैं। कार में तो हम लोग एसी के एंजॉयमेंट लेते हैं, लेकिन ऑटो में जो प्योर हवा आती है उसका तो मज़ा ही अलग है। पूजन की पूरी सामग्री मिलती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सेठानी घाट। यहाँ पे रुकने के लिए आश्रम भी बने हुए हैं, और ये देखिए आश्रम को कितना ज्यादा सुंदर से बनाया गया, ऐसा लग रहा है कि कोई राजमहल बनाया गया है। और जो लोकेशन है वहाँ पे पूजन सामग्री के शॉप्स भी हैं, आश्रम्स भी हैं रुकने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं सेठानी घाट के पास। घाट के पास पंडित जी लोग शिवलिंग की पूजा भी कर रहे हैं। इस साइड पर अभी अंकल भी उतर चुके हैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए, और अभी हम लोग भी जाने वाले हैं। और अभी मिनी भी उतर चुका है स्नान करने के लिए, और ये देखिए अंकल ने उसको कैसे उठा लिया है, और सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और इधर आप देख ही सकते हैं कि अंकल लोग चैन पकड़ के कितने मस्त से स्विमिंग पूल टाइप एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे सिवाय भी हम अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। विशाल का मंदिर भी है जहाँ पे आप जाके दर्शन भी कर सकते हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद आई कि पूरी जगह ये कलरफुल है। सेठानी घाट की जो सीढ़ियाँ है वो तक बहुत ज्यादा कलरफुल है। हम सेठानी घाट आए थे और आज हमने नर्मदा नदी के दर्शन किए, उसको उसमें स्नान किया, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है नर्मदा नदी के में स्नान करने के बाद, एकदम पॉजिटिविटी टाइप लग रहा है। और सब लोग अभी ढेरों लोग अभी तक यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, इतनी ज्यादा धूप हो चुकी है, उसके बावजूद भी जब हम लोग नर्मदा नदी के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब एक एसी रूम में बैठे, एकदम ठंडा ठंडा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आप भी, मैं चाहूंगा कि सेठानी घाट जरूर विजिट करें अगर आप इसके आसपास, सेठानी घाट जरूर विजिट करें अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो। अंततः नमामि देवी नर्मदे।